कुछ बातों का मुझे लगता है जवाब देना जरूरी नहीं था, लेकिन जिस हिसाब से मीडिया की रिपोर्ट बनी, अगर मैं नहीं बोलूं तो परसेप्शन और नरेटिव गलत सेट हो जाए। लेकिन कुछ लोगों को बार बार उनकी आदतें सुधरती नहीं, और सलीम जावेद की स्टोरी देखे हमेशा सामने आते हैं। मेरी धर्मपत्नी अक्षा मेरे साथ है, बाकी मैं प्रेस आगे बोलूंगा, लेकिन मेरे प्रेस चालू करने से पहले वो दो शब्द आप लोग से बोलना चाहेंगी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनसे कि वो मीडिया से बात करें। एक तो उस रात को हम पहले टाउन गए थे, हमारा वहाँ पे एक फैमिली गेट टुगेदर था, वो वहाँ से हमको थोड़ा लेट हो गया निकलते हुए, एंड हमारे एक फ्रेंड का बर्थडे था रेडियो पार्टी, विच इज अ फैमिली रेस्टोरेंट, एंड तो हमने सोचा कि हम रस्ते में विश करते हुए चले। वहाँ पे हम गए, हम बैठे, एंड विद इन दो तीन मिनट के अंदर ही ये सब हुआ उनके लिए, बट मैं वहाँ पे सारा टाइम प्रेजेंट थी। तो ये जो झूठा नैरेटिव सेट हुआ है कि गर्ल्स के साथ ही डांस कर रहे थे, ड्रग्स कर रहे थे, ये सब वो सब, मैं वहाँ प्रेजेंट थी और वहाँ कोई और नहीं था। और ये पहली बार नहीं है, ये पहले बहुत बार हो चुका हुआ कि झूठे नैरेटिव सेट किए हैं, हमेशा फैमिली को ड्रैग किया है, घर तक तोड़ने आ गए, मतलब क्या कुछ नहीं हुआ। लाइक लास्ट टू ईयर्स में बहुत इन लोगों ने कोशिश की जो हमेशा झूठे साबित हुआ। तो बस माय रिक्वेस्ट इज कि पॉलिटिक्स से प्लीज फैमिली को दूर रखा जाए, क्योंकि ये एक नया लेवल का लोड है। प्लीज, इट्स नॉट नाइस। थैंक यू। ये घटना शनिवार रात की है। रात को 2:05 पे मैं टाउन से जब लौट रहा था तो मेरे एक मित्र का बर्थडे था। मैं रेडियो बार, एक फैमिली रेस्टोरेंट है जिसको माननीय संजय राउत, जिसको नाच भर बताते हैं, वो एक फैमिली रेस्टोरेंट है जहां पे बैंड्रा से लेकर जुहू तक अच्छे फैमिली के क्राउड के लोग जाते हैं, और मुंबई के जाने पहचाने घर के बड़े कॉर्पोरेट से लेकर सब फैमिली के साथ वहां जाते हैं, आप सबको मालूम है। वहां पे मैं रुका, और जो एक स्टोरी को प्लान किया गया, जिस तरह से इस सलीम जावेद का नरेटिव लेकर तुरंत 3:30 से लेकर अगले दिन तक पूरा रविवार को ये स्टोरी पूरे मीडिया में प्लान की गई, ये दिखाई कुछ और गई, लेकिन इसकी सच्चाई कुछ और है। पहले तो मैं गलती मानता हूं मेरी कि 1:30 तक ये समय है जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो लीगल समय है, 1:30 के बाद किसी भी रेस्टोरेंट में नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये रेस्टोरेंट वाले का ही उसने खुला रखा। मैं वहां पे 2:00 गया, जैसे मैं वहां पे पहुंचा, पहले से वहां पर या तो मेरा गाड़ी का पीछा किया जा रहा था, 2:00 कुछ लड़के बाहर खड़े थे, कुछ गाड़ी मेरे पीछे मेरे को फॉलो कर रही थी। जैसे मैं अंदर गया और मैं जाकर साइड में मैं और मेरी धर्मपत्नी बैठे थे और बात कर रहे थे, तभी वहां पर 5 मिनट बाद 2:05 या 10 हुए होंगे, हल्ला गुल्ला चालू हुआ। कुछ लड़के वहां पर आए, कुछ अपने को वहां पर सचिन कामले करके, जिसको छत्रपति संभाजी ब्रिगेड वाले नाम देकर चिल्लम चिल्ली कर वो लोग वहां पर अंदर आए और वीडियो शूट करने लगे। उतने में 3-4-5 लड़के अंदर और आए, मोइन सलीम शेख करके कुछ मुसलमान लड़के उसके साथ में थे जो अंदर आए, जिनके पास साइड में रिवॉल्वर लगा हुआ था। इनको पता नहीं था कि मुझे भी मुंबई पुलिस की सिक्योरिटी है। तुरंत मुंबई पुलिस की सिक्योरिटी जिस तरह से अंदर आई, अंदर आने के बाद वहां पर इन लोगों ने भागने का प्रयास किया। जब वहां से निकल के भागने लगे, पुलिस खार पुलिस स्टेशन के भी लोग आए, वहां पर इन्होंने 2:15 से 20 के बाद पुलिस को देखते हुए, मेरी सिक्योरिटी को देखते हुए, मैं वहीं पे कुर्सी पे बैठा था मेरी वाइफ के साथ, वाइफ भी वीडियो में नजर आ सकती है, जिस तरह से भागे, ये गाड़ी के अंदर जिसका नंबर है MH14DA5769, ये गाड़ी के अंदर कुछ गुमनाम लोग थे जो मुझे ट्रेस कर रहे थे, मेरे ऊपर ट्रैप लगा के रखे थे। ये गाड़ी को मुंबई पुलिस ट्रैफिक पुलिस के अंदर पूरा इसको देख सकती है। ये गाड़ी के अंदर मोइन शेख के नाम पे गाड़ी है, सचिन कामले, मोइन शेख और अनजान लोग, मोइन शेख के पास एक रिवॉल्वर था, मेरी सिक्योरिटी ने जैसे उसको पकड़ा वैसे वो लोग गाड़ी से भागे। उसी रात मुंबई पुलिस के चलान वालों ने
रैश ड्राइविंग में इनके ऊपर चालान भी गाड़ियों पे कटा, अलग अलग ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के अंदर चालान भी कटा। 2:30 बजे तक मुंबई पुलिस के खार पुलिस स्टेशन वहां पर आए, उन्होंने रेस्टोरेंट पे चालान काटा और हम लोग वहां से निकल गए। 3:30 बजे सचिन कामले करके जो भी ये शख्स है उसने आगे जाके किधर वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने माननीय उप मुख्यमंत्री जी का नाम लिया, उन्होंने अलग अलग आरोप लगाए कि मैं वहां पे गाली गलौज कर रहा था, मैंने पुलिस के साथ धक्का मुक्की की, पुलिस वालों के कॉलर पकड़े, पुलिस वालों को मारा, मैं डांस कर रहा था, मैं नाच रहा था, मेरे साथ बहुत सी लड़कियां थी, लेकिन ये चीज का कोई भी वो सबूत नहीं दे पाए। फिर उन्होंने वीडियो संजय राउत को दिया, संजय राउत जो सलीम जावेद की स्टोरी बनाने में बहुत मशहूर है, सबको ये पता है, उन्होंने सुबह सुबह उसकी वीडियो ट्वीट की, एक पत्रक देवेंद्र फडणवीस साहब के नाम पे लिखा, मुंबई सीपी के नाम पे लिखा, जिसमें अनेक आरोप उन्होंने मेरे पे लगाए। ये पहली बार नहीं हुआ है कि मेरे पे आरोप लगे, ऐसे आरोप पिछले 2.5 वर्षों में ऐसे झूठे केसेस महाविकास आघाड़ी की सरकार पहले कई बार लगा चुकी है हमेशा, लेकिन उन्होंने मुंह की खाई। मैं पहले भी मुंबई पुलिस को बोल चुका हूं, पहले भी पत्र लिख चुका हूं कि मेरे ऊपर जान से मारने का बहुत बार प्रयास पहले भी किया गया है, मातोश्री के बाहर भी हुआ, बार बार सोशल मीडिया और अनेक मीडियाओं के माध्यम से मेरे और मेरे परिवार को धमकियां पहले भी काफी दी गई। 10 दिन पहले खुलेआम नागपुर में नितिन देशमुख जो आमदार है उसने भी मुझे जान से मारने की धमकी दी कि पुलिस प्रोटेक्शन हटाओ, फिर इसको हम दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे, कैसे ये जिंदा रहता है, वो वीडियो आप सबके पास भी मौजूद होगा जो मैंने ज्वाइंट सीपी मुंबई को भी फॉरवर्ड किया था। परसों की घटना भी ये एक ट्रैप था। हाँ, मैं मेरी गलती मानता हूं कि मुझे 2 बजे वहां पे नहीं जाना चाहिए था, लेकिन ये घाटकोपर के चेंबूर के और बाहर के लड़के बैंड्रा में उस रात को ये अनजान गाड़ी जो दिखती है कि गाड़ी भी सही है कि चोरी की है ये भी पता नहीं, इस तरह के आर्म्स लेकर वहां पर वो क्या कर रहे थे, और उस समय वो बाहर एकदम से मेरे को देख कर अंदर आके इतना जो तमाशा किया, उनके क्या इंटेंशन थे। मुंबई पुलिस को इसकी पूरी जांच करनी चाहिए। संजय राउत हमेशा क्यों पिक्चर में आकर जब भी इस तरह का नरेटिव सेट कर इस तरह की स्टोरियां बनाकर और उनका इन लड़कों के साथ क्या संबंध है, ये भी लोगों के सामने आना चाहिए, ये भी जांच का विषय है। दूसरा विषय, इस तरह की राजनीति मीडिया में वन साइड स्टोरी देकर रेस्टोरेंट को डांस बार बोलकर अनेक महिलाओं के साथ डांस में कर रहा था, ड्रग कर रहा था, दारू पी रहा था, ये आरोप पहले भी लगते आए, लेकिन बिना कोई पुख्ता सबूत के इस तरह का नैरेटिव सेट करना, ये मुझे लगता है संजय राउत अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। जेल से आने के बाद या तो पागल हो चुके हैं या तो उनको एक साइकेट्रिस्ट के डॉक्टर की जरूरत है। मैं ये सब मीडिया के माध्यम से मैं सीधा बताना चाहता हूं, अगर इस तरह का राजकारण निजी जिंदगी के अंदर कोई अपनी धर्मपत्नी के साथ है, उसको इस तरह बदनाम करने का अगर राजकारण महाराष्ट्र में चालू करने का प्रयत्न करेंगे, तो मैंने जब वीडियो लगाना चालू करूंगा तो महाराष्ट्र के बड़े बड़े नेताओं के बच्चे मुंह दिखाने के लायक महाराष्ट्र में नहीं रहेंगे। मेरे की इस बात को धमकी समझ लो, चेतावनी समझ लो, या जो समझना है वो समझ लो। तेजस ठाकरे, अदित ठाकरे, मैं नाम लेके बता रहा हूं, कोविड में जब 10 बजे का कानून था, किस तरह से वर्ली पे 11-11, 12-12 बजे धमकी देकर रेस्टोरेंट खुलाकर बिना बिल दिए वहां पर दारू पीते थे और खाना खाते थे, और बिल मांगने पर वहां पे मुख्यमंत्री मेरा बाप है वैसी धमकी दिया करते थे, चाहिए तो मैं इसका वीडियो और प्रूफ दे सकता हूं मीडिया को। ये वर्ली का रेस्टोरेंट है, कोविड के समय में रात को 11 बजे का ये जीएसटी पेड बिल है जिसके अंदर तेजस ठाकरे का नाम भी है, किस तरह रेस्टोरेंट को खुलाकर धमकी देकर, ये उनका वीडियो है, बड़ा करो सर,
ये उनका वीडियो है कोविड के समय में जब सब घर में लॉकडाउन में बंद थे, किस तरह से वो रात को रेस्टोरेंट खुलाकर धमकी देकर, भाई का वहां पे एमएलए और पिताजी मुख्यमंत्री हैं, इस तरह का जिस तरह से व्यवहार करते थे, ये तो एक वीडियो है। ऐसे इनके नहीं, मेरे पास ऐसे कई लोगों के वीडियो है, वो क्या क्या करते हैं, कौन कौन साथ में रहता है। मैं तो मेरी धर्म पत्नी के साथ था, ना मैं ड्रग करता हूँ ना मैं गलत कोई काम करता हूँ, लेकिन कौन क्या क्या करता है। अगर मैं इस तरह की राजनीति पे उतरूंगा तो मुंह दिखाने के लायक ये कोई नहीं रहेंगे। संजय राउत कौन से होटल में जाकर फ्री का खाते हैं और क्या क्या करते हैं ग्रैंड हयात में, अगर मैं बताना चालू करूं, और आर्य के बंगले में क्या करते हैं, कौन इनका बिल चुकाता है, तो संजय राउत मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। मेरा ये मीडिया से दरख्वास्त है, मीडिया के माध्यम से, इस तरह के घटिया आरोप, घटिया राजनीति, घटिया स्तर, महाविकास अघाड़ी के नेताओं को बंद करना चाहिए। आपको आरोप लगाना है, आप मेरा घर तोड़ने को आए, आपने मेरे पे झूठे केस किए, 57 झूठे मेरे ऊपर केसेस और नोटिसेस भेजे आपने पिछली सरकार में, कोई भी एक आरोप आप सिद्ध नहीं कर पाए। आर्यन खान से लेकर अभी तक अगर तुम्हारी सरकार गिरने का तुमको दुख है तो ये दुख तुम्हारे पास रखो, तुम्हारी और क्या क्या नीचे सरक जाएगा तुमको मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम तुम्हारी आइडियोलॉजी खो चुके हो। किस बात का गुस्सा तुम कहां निकाल रहे हो, जरा अपने होशो आवाज में आओ और राजकरण राजकरण की तरह करो। बिल्कुल ऐसे पर्सनल और निजी अटैक करना है तो वो सही आरोपों के साथ करो, सही वीडियो के साथ करो और सही तख्तों के साथ करो। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मेरी मुंबई पुलिस से ये दरख्वास्त है कि जिस तरह से ये पूरी घटना हुई, ये लड़के जो वहां पे थे, जो अपने आप को सचिन कांबले बताता है, उसके ऊपर अनेक केसेस भी मुंबई में रजिस्टर्ड हैं। मुंबई पुलिस में पुलिस वालों से मारपीट करने के केसेस, गवर्नमेंट अधिकारियों को मारने के केसेस चल रहे हैं, कल भी उसकी एक डेट कोर्ट में है। जो खुद इस चीज का आरोपी है वो मुझ पे आरोप लगा रहा है, ये खुद में एक उसकी क्रेडिबिलिटी की बात है। और 2:30 बजे निकलकर अगर तुम देख रहे थे कि मैं पुलिस वालों से मारपीट कर रहा था तो उसकी वीडियो क्यों नहीं ली, मैं वहां पे बैठा हुआ इतने आरोप लगा दिए, उसके क्या पिक्चर और क्या प्रूफ है। 3:30 बजे निकलकर इतनी झूठी टाइम्स ऑफ इंडिया में आज जिस तरह की स्टोरी है, जिस तरह का मेरा कैरेक्टर एस्टिमेशन और मेरी फैमिली का एस्टिमेशन करने की एक तरफ की एक लेटर के ऊपर संजय राउत, जो संजय राउत मेरे को पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कितने आरोप लगाते आए, 12,000 करोड़ क्या क्या आरोप आज तक लगाते हैं, कुछ भी साबित नहीं कर पाए। ऐसे शख्स जिसने आज तक बाप बेटे जेल जाएंगे, खुद जेल चला गया, मैं बोलता था सलीम जावेद जेल जाएंगे, दोनों गए, मैं अभी भी बोलता हूँ सलीम अंदर है जावेद भी जाएगा, ये नोट कर लेना, आज मैं मीडिया के सामने बोल रहा हूँ। अगर किस तरह का राजकरण ये कर रहे हैं तो राजकरण मुझे भी आता है, मुझे बताए नहीं, और मैं आने वाले समय में इतना बड़ा खुलासा करूंगा कि पूरा महाराष्ट्र दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, भारत माता की जय, वंदे माता। वो जी आपने जो वीडियो दिखाया महाराष्ट्र को पता है सलीम कौन है, जावेद कौन है, सलीम कहाँ है और जावेद कहाँ था, सबको पता है, दोनों का मिलन कराया था और इन दोनों का मिलन दोबारा होगा। मोदी आपने जो वीडियो दिखाया पता है आपको, सब सलीम जावेद कौन है मीडिया को अच्छी तरह पता है, मैं आगे आने बताऊंगा, मैं क्या है मेरे पास बताऊंगा। मोदी आपने जो वीडियो दिखाया, आपने जो वीडियो दिखाया उसके बारे में विस्तृत बताइए, कब का वीडियो है, आपने जो वीडियो दिखाया उसके बारे में कब का वीडियो है, क्यों, कौन सा, क्या नाम है, पूरा सविस्तर बताइए। 2021 रात को 11 बजे 4 सितंबर 2021 का है, जब कोविड के रिस्ट्रिक्शंस थे, 10 बजे तक रेस्टोरेंट चलने की परमिशन थी, धमका कर रेस्टोरेंट को खुलाए रखा, उसका ये वीडियो है पूरे प्रूफ के साथ। एक वीडियो नहीं, मेरे पास ऐसे हजारों वीडियो सबके सपुत्र और सपुत्रियों के हैं, लेकिन मैं ऐसा काम नहीं करता, मेरे चरित्र में किसी के फैमिली में जाने का नहीं है, लेकिन अगर तुम मेरे को छेड़ोगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं।
अगर झूठी स्टोरी मेरे पे लेके आओगे तो मैं तुम्हारा असली दर्पण दिखाऊंगा। तुम आज तक कुछ प्रूफ नहीं कर पाए, सिर्फ झूठे पत्रक है। मैं तुमको प्रूफ फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ सब मीडिया के सामने रखूंगा। ये तो एक सैंपल है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक 11 बजे का वीडियो है कि बाप के नाम पे धमका के, मेरा बाप मुख्यमंत्री और मेरा भाई यहाँ का MLA है, वो धमका कर वो रेस्टोरेंट को खुला के कोविड में जो सब घर पे बैठे थे। और आप बिल देखोगे तो 4 लोग शिवास लीगल 3 पैक विस्की सोर 10 पैक बॉम्बे सफायर 22 पैक ओपा सिग्नेचर 16 पैक इतनी दारू पीते हैं 4 लोग बैठकर। और ये GST पेड बिल है, GST में नाम के साथ बिल है, तेजस ठाकरे का जो रिकॉर्ड में है, ये बनाया वो डमी नहीं है, वो डेट के साथ है, जो रिकॉर्ड को चेक कर सकते हो। अगर इस तरह का राजकारण करना है तो मेरे पास जितना डाटा मसाला है वो आप सोच भी नहीं पाओगे किसके बारे में किधर है, कौन कौन सा पाउडर लाली लगाता है। अगर दिखाना चालू हो जाऊंगा तो घर से बाहर नहीं निकलोगे। बाकी कोणत्या नेत्याच्या मुलांचे किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं है। मेरा सिंपल इतना बोलना है भाई साहब कि इस तरह का राजकारण संजय राउत पे माननीय शरद पवार साहब जो महाराष्ट्र के सबसे बड़े दिग्गज लीडर है, मैं भी बहुत इज्जत करता हूँ। उद्धव ठाकरे जी जो श्री और जी तो मेरी इज्जत में खो चुके हैं, क्योंकि जिस दिन वो मेरे बीवी बच्चों के ऊपर आए थे उसी दिन श्री और जी मैं हटा चुका था उनके आगे से और पीछे से। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि इस तरह के पोपट के ऊपर लगाम लगाओ, और पोपट को तुमको पोपट को बुलवाना है तो पोपट को पहले मसाला दो, पोपट को पहले फैक्ट एंड फिगर दो, तो हमको भी मजा आएगा इस पोपट से लड़ने पे। पोपट झूठी झूठी स्टोरी लेके आता है तो रोज कितना हम जवाब देंगे। आज अगर कोई अपनी धर्म पत्नी के साथ मुंबई में, क्या किसी की प्राइवेट लाइफ नहीं है क्या? मीडिया वालों से पूछता हूँ कि आप नहीं, ठीक है ना, मेरी गलती है, मुझे 2 बजे नहीं जाना चाहता, हाथ जोड़ के मैं 2 बजे निकला, उसकी माफी चाहता हूँ कि 1:30 बजे मुझे घर आना चाहता, मेरे दोस्त का जन्मदिन था, मैं रुका, मेरी गलती है, मैं गलती को एक्सेप्ट करता हूँ। क्या मैं मेरी वाइफ के साथ गया उसको डांस बार बता दिया गया, मेरी वाइफ को लड़कियां बता दी गई? इस तरह का घटिया राजकारण कि मैं डांस कर रहा था। अगर संजय राउत अपनी बेटी की शादी में तेरी बीवी तेरे साथ डांस नहीं करती है, तू दूसरी महिला के कमर में हाथ लगा के डांस करता तो मेरी गलती नहीं है। अगर तेरे को ये भाषा सुननी है तो तेरे को वही भाषा सुनाऊंगा, मेरे को तेरी भाषा में जवाब देना आता है, लेकिन मैं मर्यादा रखता हूँ, तो मर्यादा को मेंटेन रखा जाए और सब लोग मुंबई में महाराष्ट्र में राजकारण में मर्यादा को मेंटेन रखे। पिछले 4 साल में संजय राउत ने सब मर्यादाएं तोड़ी है, लेकिन ये बिलो द बेल्ट बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। संजय राउत भी यही चाहते हैं क्या कि तेजस ठाकरे और आदित्य ठाकरे का नाम बार है? क्योंकि नीतीश राणे को एक जिम्मेदारी दी गई है कि अगर आप बीजेपी के नेता बोलोगे तो हम उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे बोलेंगे, फिर भी संजय राउत बोल रहे। खुद संजय राउत भी यही चाहते हैं कि ठाकरे परिवार का ये सब कुछ बाहर आ जाए, क्योंकि आप पर बोलोगे तो आप सीधा वहीं पे बोलने वाले, खुद वो भी वहीं चाहते हैं। देखिए संजय राउत कहाँ के संपादक है, तो संपादक है कि संपादक है, वो तो पाते ज्यादा हैं और उनका मुंह और पिछवाड़ा भगवान ने जैसे ही दिया है, तो वो उद्धव ठाकरे जाने और संजय राउत जाने कि वो कहां से पाते, मुंह से पाते कि पीछे से पाते, वो मेरा काम नहीं है। मेरा सिर्फ बोलना है कि ना मैं संजय राउत से डरता हूँ ना संजय राउत के बाप से डरता हूँ। मेरे पे आओगे तो मैं अकेला जवाब देना जानता हूँ। भारतीय जनता पार्टी से और देवेंद्र फडणवीस साहब से या भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं से बार बार नाम लेकर मुझे जो जोड़ते हो, तो मेरे को संजय राउत की तरह पार्टी के और नेताओं की जरूरत नहीं है। मैं खुद में सक्षम हूँ संजय राउत को उसकी भाषा में हर जगह जवाब देने के लिए, मुझे किसी भी पार्टी दल या बड़े नेताओं के नाम की जरूरत नहीं है। तो ये जिस तरह से झूठे नरेटिव, झूठे पत्रक, झूठी बातें संजय राउत करते हैं, कृपया करके पोपट को अपनी लगाम लगाओ मुंह पे और लवंडे को बोलो कि अपनी औकात में रहे। यापूर्वी तुम्ही सांगितलं होतं की सलीम जावेदची जोडी आत्मध्ये जाईल, जोडी आपल्याला आत्मध्ये जाताना पाहायला मिळाली। यापुढील काळामध्ये तुम्ही म्हणलात की मी एक असा गौप्य स्फोट करेल की त्यांनी महाराष्ट्र हादरेल, हा गौप्य स्फोट नेमका राजकारणातल्या कोणत्या कुटुंबाविषयी तुम्ही करणार आहात? देखिए मैं किसी के कुटुंब पे कभी भी पर्सनल आज तक मैंने नहीं बोला, लेकिन अगर इस तरह मेरी धर्म पत्नी के लिए बोला जाएगा या इस तरह मेरे परिवार के लिए बोला जाएगा तो फिर मेरे पास भी सब कुछ है। देखिए मैं तो आज तक बिना फैक्ट एंड फिगर के कभी कुछ बोला ही नहीं। मैंने एक IPS बोला, वो IPS किधर गया सबको पता है। मैं सलीम जावेद बोला, वो किधर गया सबको पता है। 1 तारीख 30 तारीख बोली तो 1 भी 30 ने सबने देखी। तो मेरे पास खुद की यंत्रणा है, ये बता देता हूँ।
मेरे पास बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, जैसे आप लोग आपका ANI डेटा और आप लोग न्यूज चैनल मेंटेन रखते हैं, मेरे पास ही बहुत कुछ मेंटेन रहता है। वक्त आएगा, जरूरत पड़ेगी तो ऐसा ऐसा खुलासा करूंगा, लोगों को पता चले 2021 का मैंने आपको दिखा दिया, 23 में कोविड का दिखा दिया, तो मेरे ऊपर आओगे तो मुझे मेरे को डिफेंड करना और मेरे को अपने को बचाना आता है। आपको मेरे पे अटैक करना है तो सही आरोप लेके आओ, सही चीज लेके आओ, झूठे आरोप, झूठे नरेटिव, झूठे फिगर ये लेके आओगे तो मैं आपको डिफेंड करूंगा, मैं चुप बैठने वाला नहीं हूँ। थैंक यू। बंद है ना? हाँ बंद।